के किनारे बसा हुआ लखनऊ शहर, जहां एक तरफ अपनी शानदार इमारतों, तहजीब और कव्वाली की वजह से मशहूर है, पर आपको हर जगह नवाबी कल्चर के निशानात भी देखने को मिलेंगे। ये आलीशान रूमी दरवाजा है जिसकी ऊंचाई 60 फीट है। इसे 1784 में नवाब असदुद्दौला ने बनवाया था। पुराने जमाने में ये इस शहर में दाखिल होने का दरवाजा हुआ करता था। रूमी दरवाजे के बगल में ही एक और आलीशान इमारत मौजूद है, बड़ा इमामबाड़ा, जो इस शहर की पहचान बन चुका है। इसे भी 1784 में ही बनाया गया था। चूंकि इसे अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने बनवाया था, इसलिए उनके नाम की मुनासबत से इसे आसफिया इमामबाड़ा कहा जाता है। फने तामीर का ये शानदार नमूना है। इस इमामबाड़े का शुमार दुनिया के उन सबसे बड़े मेहराबी कमरों में होता है जिनमें कोई खंबा नहीं है। इस बड़े इहाते में एक मस्जिद, चारों तरफ सहन, दरवाजे और एक बावली भी है। रूमी दरवाजे और इमामबाड़े को देखने के लिए हर रोज यहाँ सैकड़ों सैयाह आते हैं। पास ही में एक और तारीखी इमारत मौजूद है। यह है लखनऊ का घंटाघर। इसे नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने 1880 में बनवाया था। इसकी ऊंचाई 221 फीट है और ये हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा घंटाघर है। इसका डिजाइन बरतानवी आर्किटेक्ट रॉस्किल पेन ने तैयार किया था, इसलिए इसमें इमामबाड़ों जैसा मुगल स्टाइल नहीं है, बल्कि इसमें विक्टोरियन गॉथिक स्टाइल है। गन मेटल से बनी हुई इस घड़ी का पेंडुलम 14 फीट लंबा है। इसका डायल 12 पंखड़ियों वाले फूलों जैसा दिखाई देता है, जिसके चारों तरफ घंटियां लटक रही हैं। लखनऊ के नवाबों और सुल्तानों की दिलचस्पी खूबसूरत इमारतें बनवाने में तो थी ही, वो मुख्तलिफ किस्म के खानों में दिलचस्पी रखने के लिए भी मशहूर थे। अवधी खानों के बारे में सुनकर किसी के भी मुंह में पानी आ सकता है। इस शहर के टुंडे कबाब की शोहरत इतनी ज्यादा हुई कि आज आपको हिंदुस्तान के हर शहर और कस्बे में लखनवी टुंडे कबाब की दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पर खाने के शौकीन लोगों की भीड़ लगी रहती है। लखनऊ की असली टुंडे कबाब की दुकान इस वक्त जिन्होंने उसकी शुरुआत की थी उनका पड़पोता चला रहा है। इस दुकान में हमेशा लोगों का हुजूम लगा रहता है, लेकिन कबाब बनाने वाले कभी नहीं थकते। फिजा में हर तरफ कबाब की खुशबू फैली रहती है, जो खाने के शायकीन को अपनी तरफ खींच लेती है। इनसे मिलिए, ये हैं अमीना खातून, जिन्हें चिकनकारी में अवार्ड मिल चुका है। ये 62 साल की हो चुकी हैं, लेकिन शुरू से लेकर अब तक लखनऊ के मौलीगंज में वाके अपने इस छोटे से घर में ही रहती और काम करती हैं। उन्होंने ये हुनर अपनी माँ से सीखा था। स्टेट अवार्ड जीतने वाली अमीना खुद एक माँ है। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी रानी सिद्दीकी को भी ये हुनर सिखाया, जिसकी वजह से आज वो एक नेशनल इनाम याफ्ता है। दूसरी बेटी शहाना भी
नेशनल मेरिट अवार्डी है। सबसे छोटी बेटी फिरदौस स्टेट मेरिट अवार्डी है, जबकि बेटा मोहम्मद आरिफ स्टेट अवार्डी है। अपने बच्चों के अलावा अमीना ने ये हुनर यूपी से लेकर बिहार और मुंबई से लेकर पाकिस्तान तक के सैकड़ों ख्वाहिशमंद बच्चों को सिखाया है, और इस तरह उन्होंने उन्हें इस काबिल बना दिया है कि वो सुई धागे और अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करके अपनी रोजी रोटी खुद कमा सकते हैं। तो मैंने अपनी 10 साल की उम्र से और आज तक के सिकनी का काम कर रहे हैं, मैंने अपनी माँ से सीखा है। मेरी माँ ने सिखाया मुझको काम, मैंने अपनी माँ से सीखा है, और फिर धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा काम करते रहे, तेरा मेरा काम करते रहे। लोग बनवाते थे, आके वो ले जाते थे देखे। उसके बाद में कुछ लोगों ने हमें लोगों को रास्ता बताया कि आप दफ्तर जाइए, वहाँ नाम लिखवाइए। हमारी माँ पर्दा बहुत करती थी, तो कहने लगी हम जाएंगे नहीं, लड़की को भी नहीं ले जाएंगे, छोटे थे हम। खैर वो फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि साहब लोगों ने कहा कि हम पैसा घर पर आके देंगे, आपकी बिटिया को बुलाएंगे नहीं। खैर वो नहीं बुलाते थे, घर पर आके दे जाते थे। तो फिर एक दफ़ा काम लेने जाना पड़ता था या एक दफ़ा पैसा लेने, 2 महीने में 3 महीने में जब तैयार हो जाता था माल, जब वो पैसा ले जा आके दे जाते थे घर पर। तो कुछ लेडीज़ भी थी सुपरवाइज़र, वो आती थी, वो दे जाती थी आके पैसा। वह महीना भर के बाद दे गई, कभी 2 महीने के बाद हो गए, क्योंकि मेरे वालिद नहीं थे। हम 9 महीने के थे, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था, तो मेरी माँ ने इसी काम को करके गुजर बसर की। बहुत परेशान थे हम लोग, बहुत परेशान थे, छोटे छोटे बच्चे थे, बाप थे नहीं, कोई था ही नहीं, चाचा ने सारी जायदाद ले ली थी। इसी काम के ऊपर ज़िंदगी हम लोगों की गुजरती चली जा रही है और तक गुजर रही है। अब हम बेवा हो गए, शादी हुई, ब्याह हुआ, अब बेवा हो गए, अब कोई और मेरा सहारा नहीं है, और यही चिकन है मेरा सहारा। रानी सिद्दीकी अपनी छोटी सी बेटी उमराव को ये हुनर सिखाकर अपनी माँ अमीना की रिवायत को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने 1993 में रियासती अवार्ड और 2005 में नेशनल अवार्ड जीता था। रानी एक मॉडर्न खातून है जो टीवी और फैशन मैगजीनों को देखकर जदीद डिजाइनों पर नजर रखती हैं। वो स्मार्ट कुर्तों से लेकर छोटे टॉप्स और औरतों और मर्दों के लिए मुख्तलिफ किस्म के लिबास तैयार करती हैं। ताहम उन्होंने नेशनल अवार्ड एक स्टूल कवर बनाने की वजह से जीता था। हम खुद भी डिजाइनर हैं, हम अपने डिजाइन खुद भी बनाते हैं, और जैसे कि हम टीवी में या मैगजीन वगैरह में देखते हैं, तो उसमें डिज़ाइन जो कुछ होते हैं तो उससे थोड़ा ले लेते हैं, और थोड़ा अपने दिमाग से कुछ सोचते हैं, कुछ उसमें रद्द बदल कर देते हैं, मतलब कि इसमें इस तरह का सेट करना चाहिए, इसमें इस तरह सेट करना चाहिए। तो टॉप वगैरह जैसे चल रहे हैं, कभी शॉर्ट टॉप चलते हैं, कभी लॉन्ग चलते हैं, जैसे कि ज़माने को देखते हुए भी जो है, मतलब फैशन के हिसाब से जो नया फैशन बदलता रहता है, उस हिसाब से हम बदलाव लाते हैं अपने डिज़ाइन में। आरिफ अपने खानदान के वो अकेले आदमी हैं जिसने सबसे ज्यादा सफर किया है और बहुत से मेलों और त्योहारों में शिरकत की है। पहले मैं घर में ही रहता था, खाली घर में ही मैंने अपनी मम्मी से काम सीखा, उसके बाद अपनी बहन से भी सीखा। जब मैं सीख गया थोड़ा, तो मैं उसको ट्रेन करने के लिए, अपने हाथ साफ करने के लिए अपना बनाया पहले, फिर और लोगों का बनाया, फिर और मैं लेके आया काम, उसको पैसे का बनाया, पैसा लेके बनाया, ऐसा भी किया। जब मैं काफ़ी हाथ साफ हो गया मेरा, ट्रेन हो गए, तो हमने सैंपल बनाया, एक सैंपल बना के उसको मेरी बहन ने लगवाया पीस को। लगवाने के बाद उस पर हमारा अवार्ड 2009-10 में हुआ, स्टेट अवार्ड फर्स्ट। उसके बाद मेरी रुचि और बढ़ती गई और फिर हम सीखते गए, सही सही काम होता गया। ये खानदान दिल्ली हाट और सूरजकुंड जैसे मेलों में तो अपने सामान बेचता ही है जो हुकूमत की तरफ से मुनक्किद किए जाते हैं, बल्कि इस खानदान को बहुत से मकामी कारोबारियों की तरफ से भी सीधे तौर पर ऑर्डर मिलते हैं, जिनमें से एक इंसाफ खान हैं जो अक्सर अपने डिजाइन लेकर आते हैं और अमीना और उनके बच्चों को अपने जरिए दी गई हिदायतों पर कपड़े तैयार करने का ऑर्डर देते हैं। इंसाफ खान का एक्सपोर्ट बिजनेस है,
वो बुनकरों से बड़ी तादाद में चिकन के आइटम्स तैयार करवाते हैं और फिर उन्हें पूरी दुनिया में मौजूद अपने खरीदारों को एक्सपोर्ट करते हैं। इंसाफ खान जैसे एक्सपोर्टर और दूसरे ताजर हालांकि इन दस्तकारों और कारीगरों के जरिए तैयार किए गए माल को बेचकर काफी मुनाफा कमाते हैं, तहम अमीना और उनके बच्चे और उनके ही जैसे शहर के लाखों दूसरे कारीगरों को इस पर कोई एतराज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक चिकनकारी के 10 लाख से ज्यादा कारीगर हैं, जिनमें से बहुत से अवार्ड जीतने वाले भी हैं, जो चिकन मार्केट में अपना हिस्सा पाने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करने में लगे हुए हैं। चिकन का जो है यहाँ पर इस तरीके से जो आप लखनऊ जितना भी रीजन है, लखनऊ से जो भी टच में डिस्ट्रिक्ट है, जैसे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है, हरदोई डिस्ट्रिक्ट है, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट है, और ये उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है, कुछ कानपुर का भी एरिया लग जाता है, तो ये सब सारे डिस्ट्रिक्ट जो है ये सब चिकन से जुड़े हुए हैं। जितने भी आर्टिजन्स हैं ज़्यादातर लोग चिकन का ही कारोबार इसमें देख रहे हैं, यही इंडस्ट्री यहाँ पर है। इसमें जो भी माल प्रोडक्ट होता है छोटे छोटे गाँव में होता है, जो सीख के जाते हैं यहाँ से लोग, वो वहाँ पर भी सेंटर चलाते हैं। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का जो है हैंडीक्राफ्ट का डिपार्टमेंट होता है, वो इन लोगों को जो है नेशनल अवार्डीज स्टेट अवार्डीज को ट्रेनिंग स्कीम चलाने के लिए देती है गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत। इसमें ये लोग सिखाते हैं, तो जो सीख के लोग जाते हैं वो अपने अपने जो वर्क होता है उसको करते हैं, उसी से कुछ लोग अपनी जीविका भी चलाते हैं, परमानेंट जुड़े हुए होते हैं लोग, तो वो जो जीविका चलाते हैं वो अब वो अपना माल तो प्रोडक्ट कर लेते हैं। मार्केटिंग की थोड़ी दिक्कत होती है, तो मार्केटिंग में क्या होता है वो अपना माल तो तैयार नहीं करते, एक पर्टिकुलर एक आदमी होता है जो अपनी कटिंग स्टिचिंग करवाता है दुकानदार से, वो लोग माल लेते हैं, उन्हीं का माल बनाते हैं, उन्हीं को फिर से वापस कर देते हैं, जो मजदूरी होती है उनको मिल जाती है, लेकिन वो जेन्युइन मजदूरी नहीं मिल पाती जो उनको मिलनी चाहिए। जो असंगठित क्षेत्र है ना, ये कोई संगठित क्षेत्र नहीं है, इसलिए इसमें जो असंगठित क्षेत्र होने की वजह से तो वो पूरी तरीके से उनको पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। '86 में नेशनल अवार्ड जीतने वाली शमीम जहां, जो रानी शहाना और फिरदौस की ही तरह अपने मादरी पेशे को आगे बढ़ा रही हैं, ये भी पूरे शहर में शादी के अपने खूबसूरत लहंगों की वजह से काफी मकबूल हैं। शिल्प गुरु शमीम भी नौजवान लड़कियों को ये हुनर सिखाती हैं और उन्हें वक्त वक्त पर काम भी देती हैं। इनके जरिए बनाए गए हर एक लहंगे की कीमत 10,000 रुपए के आसपास होती है और इस एक लहंगे को कम से कम 10 कारीगर मिलकर 6 महीने में तैयार करते हैं। शिल्प गुरु और नेशनल अवार्डी शमीम को हर साल 6 महीनों तक कम से कम 10 लोगों को तरबियत देनी होती है। इन लोगों को 6 माह तक ट्रेनिंग देने के बदले हिंदुस्तान की कपड़ा वजारत हर महीने बतौर फीस शमीम को 10,000 रुपए देती है, जबकि सीखने वाले हर फर्द को 6 महीने तक 2,500 रुपए हर माह स्टाइपेंड के तौर पर दिए जाते हैं। पूरे मुल्क में किसी भी हुनर के शिल्प गुरु के लिए यही उसूल वजा किया गया है। इसका मकसद यही है कि दस्तकारी का ये हुनर आगे भी जिंदा रहे, नौजवान लोग दस्तकारी का पेशा चुने और इस पेशे के उस्तादों की महारत एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती रहे। मतलब घरेलू काम था, मेरी मम्मी करती थी, मेरी मम्मी ने अपनी दादी से काम सीखा था, इसलिए ये हमारे मतलब बहुत पुराना काम चल रहा, हमारा ख़ानदानी समझिए ये काम है, क्योंकि मेरी मम्मी ने अपनी दादी से सीखा था, बताइए कितना पुराना। तो हम लोग भी बचपन से ही मम्मी को काम देख के और करने लगे, बचपन से ही काम करते हैं, तो फिर सीख गए, फिर थोड़ा बहुत काम आया तो यहाँ कैसर बाग में पीस बनते थे हर साल हैंडीक्राफ्ट वीक के, वो बहुत पहले मतलब बन चुके हैं, तो पहले हम लोगों ने वही हैंडीक्राफ्ट वीक के मतलब बनाते थे, उसमें हमें उस पर हमें अवार्ड मिला,
फिर उसके बाद में ऐसे करते करते कई बार हैंडीक्राफ्ट भी की हमें मिल चुके हैं। उसके बाद हमें स्टेट का मेरिट मिला, फिर स्टेट अवार्ड हमें मिला। ऐसे काम करते करते काम बढ़िया हुआ तो उस तरह से हमें काम मिलता रहा। फिर उसके बाद में 86 में हमको नेशनल अवार्ड मिला। और हम करते भी हैं और मतलब बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं। हमारे बहुत से बच्चे सीखे हुए हैं, यहाँ पे भी हैं सीखे हुए लखनऊ में, और हमारी ससुराल लखीमपुर की थी, लेकिन अब तो हम वहाँ पे रहते नहीं हैं क्योंकि काम यहाँ पे ही ज़्यादा हमारा है, चिकन यहीं पे ज़्यादा है, इसलिए वहाँ छोड़ के यहाँ आ गए। लेकिन जब तक के वहाँ रहे तो वहाँ पे भी हमने ये काम किया, ट्रेनिंग बच्चों को दी, और काफ़ी काम वहाँ अब मतलब हो रहा है ये चिकन का। शमीम के इस कारोबार में उनकी मदद उनकी बहन वसीम जहां भी करती हैं, जो खुद स्टेट मेरिट सर्टिफिकेट याफ्ता हैं। उन्होंने ये हुनर सिर्फ अपनी माँ से ही नहीं बल्कि रियासती हुकूमत के जरिए चलाए जा रहे लखनऊ ट्रेनिंग सेंटर से भी सीखा है। दोनों बहनें अपने कुनबे में चले आ रहे इस हुनर को सीख कर काफी खुश हैं, क्योंकि वो अपने घर में ही बैठकर बड़ी आसानी से पैसा कमा सकती हैं। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूंगे सावरिया, पिया पिया रखते न तो हो गई रे मादरिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूंगे सावरिया। ये काम हमारे घर में पुश्तैनी काम है, मेरी मम्मी की माँ सब यही करती थी। तो बचपने से आँख खोली और गरीबी थी, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा हो नहीं पाई, थोड़ी बहुत की, लेकिन काम ये चिकन का करते रहे। और उसके बाद काम सारा मम्मी से सीखा और उसको समझा। जब हम करीब 16 साल की हमारी उम्र हुई तो यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर हैंडीक्राफ्ट वीक से खुला, तो उसमें हमने भाग लिया। उसमें उनसे थोड़ा बहुत अपनी टीचर से सीखा कि हमको इसका अवार्ड मिले, वो सर्टिफिकेट मिलेगा ताकि हमको इससे कुछ आगे का चांस हो, लेकिन वहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मिला। उसके बाद भी फिर यही करते रहे, सीखने के बाद भी यही करते रहे, पहले भी यही काम किया। और उसके बाद 88 में हमको स्टेट मेरिट मिला। अमीना और उनकी बेटियों या शमीम और उनकी बहन की तरह ही चिकनकारी के ज्यादातर कारीगर अपनी बेटियों बहनों और यहाँ तक के अपने बेटों को भी इस पेशे में शामिल कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे इस काम में तालीम याफ्ता और कंप्यूटर के जानकार नौजवानों के आने से बेहतरी आ रही है। ये साजिदा खातून हैं जिन्होंने 1992 में रियासती अवार्ड जीता था। उन्हें ये अवार्ड साइड टेबल कवर पर बुनाई करने की वजह से मिला था। अब वो ये हुनर अपनी 10 साल की बेटी फलक को भी सिखा रही हैं। माँ और बेटी दोनों नए डिजाइन और दूसरी जानकारियां हासिल करने के लिए मुसलसल इंटरनेट का इस्तेमाल करती हैं। चिकन से मैं अपने फैमिली का खर्च चलाती हूँ, ये मेरा पुश्तैनी काम है। मुझे इसको करते हुए कम से कम 25 साल हो गए। मेरी मदर को भी इस पे स्टेट नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड, मेरिट तीनों अवार्ड मिले हुए थे। मेरे फादर को भी मिला हुआ था। मेरी मदर का नाम सालिहा खातून था, मेरा नाम साजदा खातून है। मेरे ये 7 पुश्तों से काम हो रहा है और मैं ये चाहती हूँ कि ये आगे और मेरी आने वाली नस्ल इसको करे। लेकिन जो है फैशन के हिसाब से काम बढ़ रहा है, लेकिन जो हैगा चिकन की जो बारीकियाँ हैं वो कम होती जा रही हैं। गवर्नमेंट से भी हमको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। हम एग्जीबिशन में जाते हैं, गवर्नमेंट द्वारा हम लोग को बुलाया जाता हैगा। जो हम लोग अपना माल तैयार करते हैंगे उसको जो है वहाँ पर जाकर सेल करते हैंगे, उससे हमारा बेनिफिट है पूरा मिलता है। कंप्यूटर से हमको आगे आने वाली डिज़ाइनों के बारे में पता चलता है, मार्केट में क्या फैशन हैगा, फैशन में क्या डिमांड हैगी, हमको उसके बारे में नॉलेज हो जाती हैगी। हम उसी हिसाब से ही अपना जो काम तैयार करते होंगे उसी हिसाब से करते हैं। चिकनकारी करने वाली ये शहजादी अंसारी हैं जिन्होंने 2008 में स्टेट अवार्ड हासिल किया था। उनकी बहन शाहीन एक नेशनल इनाम याफ्ता हैं। ये दोनों बहनें और उनकी माँ शकीला बहुत अच्छे मलबूसात तैयार करती हैं। ये तीनों फूल पत्तियां और जनरल डिजाइंस बनाने के अलावा अपने कपड़ों पर गांधी जी
और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी मशहूर शख्सियात की तस्वीरें भी बनाती हैं। शहजादी ने टेबल कवर पर शतरंज की बिसात और प्यादे इतने खूबसूरत अंदाज में बनाए कि इसकी वजह से उन्हें स्टेट अवार्ड भी मिला। शाहीन को 2010 में नेशनल अवार्ड थाली कवर बनाने की वजह से मिला, लेकिन खूबसूरती और काम में महारत के बावजूद उनके जरिए तैयार किए गए माल ज्यादा नहीं बिकते। यही वजह है कि वो हुकूमत से मजीद मदद की मांग कर रही हैं। हमने अपने मम्मी से काम सीखा है, 8 साल की उम्र से हमने काम करना सीखा और सारा काम मम्मी की अम्मी से अम्मी करती हैं, उनसे उन्होंने उनसे सीखा और फिर हमें मम्मी ने बताया और उसके साथ साथ हमने पढ़ाई भी की है, पढ़ाई करते हुए काम भी हमने किया है। और हमने 2004 में स्टेट अवार्ड दक्षता पुरस्कार हमें मिला था और जो है और अब उसमें हमने था स्टूल कवर पे हमको अवार्ड मिला था 2004 में मिला था और उसके बाद हमको मिला है 2007-08 में मिला है, हमने 7-8 में रखा था तो हमको 10 में मिला है स्टेट, उसने फर्स्ट अवार्ड मिला था स्टेट अवार्ड मिला था। और हमने अब उसमें बहुत से काम किया, हर बहुत सैंपल बनाते हैं, नेशनल अवार्ड के लिए भी हमने रखा है। हमने अपनी मम्मी से काम सीखा है और घर में भी सारे लोग काम करते हैं और 2010 में हमने पीस रखा है, सिलेक्ट हो गया है और हम टेबल कवर भी बना रहे हैं और छोटे पीस भी बना रहे हैं और उसमें आगे हमको भी काम मिलना चाहिए, हमें भी दिल्ली हाट भी मिलना चाहिए, प्रगति मैदान भी मिलना चाहिए और हमें भी सूरज कुंड मिलना चाहिए क्योंकि अभी हम गए तो हैं नहीं दिल्ली। और हमने भी बहन और हम अपनी ससुराल में भी काम बना रहे हैं, वहाँ पर भी मेरे क्या सब सीख रहे हैं। कई हाथों के जरिए मुसलसल कई महीनों तक काम करने से जाहिर है कि तैयार कपड़े गंदे हो जाते हैं, लेकिन चूंकि ये शहर गोमती नदी के किनारे वाक़े है इसलिए इन कारीगरों को ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। चिकन के जो कपड़े हम खरीदते हैं उन्हें बाजार भेजने से पहले नदी के पानी में धोकर सुखाया जाता है और फिर उन पर आयरन की जाती है। इस तरह से इन कपड़ों के सुकड़ने और रंग छोड़ने की जांच पहले से ही हो जाती है। धुलाई करने से ब्लॉक प्रिंटिंग डिजाइन में इस्तेमाल की गई स्याही भी दूर हो जाती है और इस तरह जब तैयार माल को बेचने के लिए रखा जाता है तो ये नए और चमकदार दिखाई देते हैं और इनको तैयार करते वक्त उन पर जो स्याही या गंदगी लगी रहती है उसका भी कोई निशान बाकी नहीं रहता। नदी के किनारे से कढ़ाई और बुनाई के कपड़ों का एक बड़ा अंबार बाजारों में पहुंचता है, चिकन गली, अमीनाबाद, हजरतगंज और इसी तरह शहर के दूसरे छोटे छोटे बाजारों में चिकन के कपड़ों की ढेरों दुकानें हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट मार्केट भी है जहां से पूरे मुल्क में लगने वाले मेलों और त्योहारों में लगने वाली दुकानों को कपड़े भेजे जाते हैं। इन सब के बाद भी कपड़े ज्यादा नहीं बिक पाते क्योंकि दस्तकारों की तादाद बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि मुकाबला आराई ज्यादा बढ़ जाने से दस्तकार हुकूमत से और भी मदद, सहूलियात और ऐसे प्लेटफॉर्मों की मांग कर रहे हैं जहां से वो अपने तैयार माल को बेच सकें।